भाई कढ़ाई में गर्मा गर्म समोसे तले जा रहे हैं। समोसे का साइज देखा है कितना बड़ा है या इतना बड़ा समोसा है। ये समोसा है 25 रुपए वाला समोसा और हम हैं इस वक्त कहाँ पर? मुजफ्फरनगर की सबसे मशहूर समोसे की दुकान पर जिसका नाम है जगदम्बा जलपान। जगदम्बा जलपान राजू भाई समोसों वालों की पहली पुरानी दुकान ये है। और सबसे फेमस समोसे हैं यहाँ पर, स्पेशली समोसे ही मिलते हैं यहाँ पर। और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे गुलाब जामुन भी रखे हैं। समोसे की इनके पास दो वेराइटीज हैं, एक 15 रुपए का समोसा है, एक 25 रुपए का समोसा है, लेकिन स्वाद में दोनों सेम है, सिर्फ साइज का डिफरेंस है। सही कहा भैया बिल्कुल सही। 25 साल में क्या क्या डालते हैं? दो पनीर के पीस है, एक छोटे वाले में एक है। अच्छा, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस बड़े में दो पनीर के पीस है और छोटे में एक पनीर का पीस है। ये कढ़ाई में तल रहा है, पक रहा है, ये कौन सा समोसा है? दोनों है जी, 25, छोटा वाला बड़े वाला दोनों मिक्स है ये। बात करते हैं इना मनु से, मनु ओनर हैं शॉप के जगदम्बा जलपान के। मनु कैसे हो मेरे भाई? बस बढ़िया, आप सुनाओ सर। बढ़िया। मनु ये बताओ कि कब से है आपकी शॉप? दुकान तो 60-65 साल पुरानी है। 60-65 साल, लेकिन समोसे का काम को 22-24 साल हो गए हैं। 22-24 साल पिताजी ने शुरुआत की थी? जी। सुना है आपके समोसे बड़े खास होते, क्या खासियत है इनकी? ऊपर वाली कृपा है, सामान बेचते हैं अपना, ताज़ा रखते हैं हम सब सामान और बढ़िया क्वालिटी रखते हैं। गुलाब जामुन, तेरे को गुलाब जाचा, इनका गुलाब जामुन बड़ा भी लग रहा है। वही तो मैं आपको बोल रही थी कि 20 रुपए का है सिर्फ ये एक पीस गुलाब जामुन का। भाई मुंह में पानी आ गया, जबरदस्त जबरदस्त। मुझे लग रहा है ये समोसा दही वाली चाट बना करके देते हैं प्रॉपर। तो इना हमारे साथ इस वक्त हैं राजन भाई फूड एक्सप्लोर करते हैं। बहुत अच्छी बात ये होगी कि राजन भाई समोसा खा रहे थे अंदर। हाँ। तो इन्होंने पूछा भाई आप फूड ब्लॉगिंग करते हो? मैंने कहा हाँ। तो इन्होंने कहा मैं कुछ बातें बता देता हूँ मुजफ्फरनगर के खाने के बारे में। पहले बताइए राजन भाई समोसे के बारे में बताइए। समोसा इट्स रियली नाइस बिकॉज आई हैव हर्ड फ्रॉम माय पेरेंट्स एज वेल, दे आल्सो एक्सप्लोर्ड एंड दे सजेस्टेड मी कि आप जाके खा कर आओ, देन दैट्स व्हाई आई एम हियर। वेरी गुड। आप इस वक्त अभी खिचड़ी द फूड चैनल पर हैं, आप जल्दी से बोल दीजिए हमारे दोस्तों सब्सक्राइब कर देंगे हमारे चैनल। डेफिनेटली आई लव दिस गाइस द वे यू आर एक्सप्लोरिंग एंड आल्सो सजेस्ट एवरीवन जस्ट गो अहेड एंड यू नो दैट द सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक लाइक बटन ऑन दैट। इट्स रियली मोटिवेट यू गाइस। थैंक यू। तो चलिए ऊपर चलते हैं जगदम्बा जलपान के जहाँ समोसे बनते हैं। जहाँ समोसे एक्चुअल में ऊपर वाले की कृपा है इनके स्वाद में। तो ये कृपा ऊपर से कहाँ से आ रही है आपको वो दिखाते हैं भाई साहब। मजा आ गया। समोसे बन रहे हैं ऊपर वालों की कृपा से। भैया कैसे हो? समोसे के अंदर डलने वाले आलू भी तैयार हो रहे हैं कढ़ाई में। वाह भाई वाह। ये भैया जरा सुन, सौरभ ये भैया का चेहरा दिखाओ जरा, क्या नाम है आपका? कृष्ण पाल जी। कितनी अच्छी स्माइल है इनकी, हंस के दिखा दो जरा। भाभी जी देख रही हैं वीडियो को, भाभी जी से कुछ कहना चाह रहे हो? आज बस मैं तो 1999 से हूँ जी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ भाभी जी को कुछ कहना चाहते हो? भाभी जी शर्मा गए भैया। चलिए ठीक है, 1999 से यहाँ पे आप समोसे। अच्छा, शुभम भी बना रहा है। शुभम आप ऑनर है, आप बनाते हैं लेकिन समोसे? ये देखिए इनका राज ये भी है कि भैया जो जिनकी शॉप है, शुभम की शॉप है, तब भी समोसे बैठ के यहाँ पे बना रहे हैं वो। बहुत बढ़िया। तो ये समोसे 15 रुपए वाले बन रहे हैं या 25 रुपए वाले बन? दोनों बनते हैं जी, दोनों बन रहे हैं। ये 25 रुपए वाले समोसे अभी बन रहे हैं, ये 25 वाला बन रहा है। अरे वाह, 15 वाला नीचे बन रहा है, वो कह रहे 25 वाला ऊपर बन रहा है, तो ऊपर वाले से ज्यादा कृपा नीचे जा रही है। चलिए दोस्तों, बहुत सुना है इनके समोसे के बारे में, हम जरूर टेस्ट करके जाएंगे और एक बार आपको जरूर यहाँ पर आके टेस्ट
करना चाहिए। और अगर आप मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और यहाँ खाने आते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको जगदम्बा जलपान के समोसे कैसे लगते हैं। बाय 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 बाय।